वाले फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुलटेक मुकेश स्क्रिप्ट चैनल। दोस्तों, आज किस वीडियो में बताने वाले हैं, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो आप अपने फ़ोन से बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस तरह का वीडियो है जो कि फ्रेंड्स देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इसी तरह का आपको भी वीडियो बनाना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जा सके। उससे पहले दोस्तों, अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्रेंड्स हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स हमसे कुछ भी पूछना है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आइए और वहाँ से कुछ भी मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप काइनमास्टर को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से 16:9 को आपको चूज कर लेना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद मीडिया में आ जाना है और फ्रेंड्स जो फोटो आप लगाना चाहते हैं उस फोटो को आप अपने गैलरी से ले लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, इस फोटो को लेने वाले हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का फोटो है और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स आपको भी मॉडल फोटो डाउनलोड करना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा और फ्रेंड्स आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे फोटो पर और यहाँ आपको क्लिक करना होगा, देख सकते हैं यहाँ जो आइकन है इसी पर आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से। और फ्रेंड्स दोनों उंगलियों से इस तरह से इस फोटो को जूम कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। आपको भी इसी तरह से कर लेना है और इसको साइड में ले आना है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कर लेना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इतना रख लेना है और यहाँ बराबर पर क्लिक कर देना है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है और फ्रेंड्स इसका ड्यूरेशन आपको जितना बड़ा स्टेटस बनाना है उतना बड़ा इसको रख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, लेयर पर आना होगा। उसके बाद यहाँ आ जाइएगा दोस्तों इफेक्ट में, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ बेसिक इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ दोस्तों गजन ब्लर का ऑप्शन दिया हुआ, देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इसको जूम कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। और यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ 2 है इसको 3 कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ड्यूरेशन को फुल कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ शुरू में आ जाइएगा, देख सकते हैं। उसके बाद लेयर में आइएगा, उसके बाद मीडिया में आइएगा और फ्रेंड्स इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और फ्रेंड्स डाउनलोड करने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में बताऊँगा कि कहाँ से आपको डाउनलोड कीजिएगा, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स इसको यहाँ से फुल स्क्रीन में कर लेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसी पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन वाला में नीचे आएंगे, देख सकते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा ब्लेंडिंग का, देख सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से स्क्रीन पर क्लिक कर देना है कुछ इस प्रकार का हो जाएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ दोस्तों एडजस्टमेंट में आ जाइएगा, देख सकते हैं। और आने के बाद दोस्तों यहाँ जो लास्ट में जो लाइन है इसको यहाँ से फुल कर दीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर जाइएगा लेयर में, उसके बाद आ जाइएगा मीडिया में और फ्रेंड्स इसको आपको लेना है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इफेक्ट है। और इसको यहाँ से आने के बाद दोस्तों यहाँ ब्लेंडिंग में आइएगा और इसको भी यहाँ से स्क्रीन कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और इसको भी यहाँ से एडजस्टमेंट में आकर इसका जो लास्ट वाला जो लाइन है इसको फुल कर दीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और इसको देख सकते हैं इस तरह से जूम कर लीजिएगा और इसको यहाँ लगा दीजिएगा, देख सकते हैं नीचे लगा देना है आपको कुछ इस प्रकार से, जैसे कि फ्रेंड्स आपको अच्छा लग सके, देख सकते हैं। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर जाइएगा लेयर में, उसके बाद आ जाइएगा मीडिया में और उसी फोटो को फिर एक बार और यहाँ से ले लीजिएगा कुछ इस प्रकार का, देख सकते हैं। और इसको आइएगा दोस्तों ऑप्शन में, देख सकते हैं। आने के बाद दोस्तों यहाँ क्रोपिंग का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा और इसको क्रोप कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और इसमें एडजस्टमेंट कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, बहुत आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको स्क्वायर में आपको क्रॉप करना है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको नीचे ले लेता हूँ, स्क्वायर में हो जाएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए और इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे, देख सकते हैं। आप आराम से कीजिए फ्रेंड्स, हो जाएगा। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए, देख सकते हैं हो गया। फिर इसी पर क्लिक करना है और इसको देख सकते हैं ज़्यादा ऊपर हो गया, इसको कुछ इस प्रकार से कर लेता हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स हो गया। उसके बाद यहाँ से ड्यूरेशन को फुल कर देंगे कुछ इस प्रकार से और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स देख सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा, लेयर पर आना होगा। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट में आ जाइएगा और फ्रेंड्स यहाँ से लिख लीजिएगा जो भी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से लिख लेता हूँ, देख सकते हैं कपल, देख सकते हैं। आपको जो इच्छा करे आप लिख सकेंगे, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हम लिख लिए और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे दोस्तों डबल ए का ऑप्शन दिया हुआ, देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल इसको ले लेंगे, नोटो सेरिफ बोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ, देख सकते हैं। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ दोस्तों कलर पर आ जाएंगे, देख सकते हैं। और यहाँ से रेड कलर ले लेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन वाला में आएंगे, आने के बाद दोस्तों यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको आउटलाइन का, देख सकते हैं। इसी पर क्लिक कीजिएगा और इसको इनेबल कर दीजिएगा और यहाँ कलर पर आइएगा
लीजिएगा फिर, और यहाँ से व्हाइट कलर को ले लीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं वेट का ऑप्शन दिया हुआ, देख सकते हैं इसको कम कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसी पर क्लिक करना है और इसको जूम कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, और इसको यहाँ लगा दीजिएगा। देख सकते हैं बहुत आसानी से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और यहाँ से इसका ड्यूरेशन को फुल कर दीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा, देख सकते हैं उसका। तो फ्रेंड्स फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से दोस्तों इसी का एक और यहाँ से डुप्लीकेट ले लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, और एक पर क्लिक कीजिएगा और एक को इधर कर लीजिएगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसका तो फ्रेंड्स यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया हुआ, देख सकते हैं इसी पर आपको क्लिक करना होगा, देख सकते हैं यहाँ आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट का, देख सकते हैं, और यहाँ से लिख लीजिएगा लॉप्स, देख सकते हैं इसको हटा कर, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं लॉप्स आ गया, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप भी बना लीजिएगा, और फ्रेंड्स इसमें कोई सा भी अलग से भी सॉन्ग आप लगा सकेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स ऑडियो का ऑप्शन दिया हुआ, देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा, और फ्रेंड्स आपके मोबाइल में जितना भी सॉन्ग रहेगा यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से कोई सा भी सॉन्ग आप अपने अनुसार से लगा लीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा। सेव करने के लिए दोस्तों यहाँ शेयर का ऑप्शन दिया हुआ, देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा, और इसको यहाँ से रिसोल्यूशन को फुल HD या HD कर लीजिएगा आप अपने अनुसार से, और इसे लाइन को फुल कर दीजिएगा और यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। और फ्रेंड्स वहाँ से आप कहीं भी शेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।